Okay, so guys, in this video, I'll be starting with Indian climatology, which is a very, very important topic for the DGCA, CPL or ATPL meteorology exam. And in this video, we'll be covering the winter season. The other seasons will be covered in next videos. So let's dive into it. So as you all would agree with me, India's topography is very, very diverse. मतलब हमारी topography में बहुत बहुत variety है. हमारे पास desert भी हैं और हमारे पास glaciers भी हैं. तो India is one of the most climatically diverse countries in the world. जो हमारा weather है India में, it's strongly influenced by the Himalayas and the Thar Desert. अब there are four main seasons observed in our country. First one is the winter season. Winter season कौन से months में observe होता है? वो है December, January and February. Next season is the summer season, which is also known as the pre-monsoon season. Pre-monsoon because it comes before the monsoon season. ये जिन months में observe होता है वो है March, अप्रैल और मई. तीसरा है रेनी सीजन, जिसको हम मॉनसून भी कहते हैं. तो मॉनसून सीजन ये भाई सबसे लंबा सीजन है हमारी कंट्री का. एंड दिस इज द वर्स्ट टाइम टू फ्लाई, बिकॉज बारिश ही इतनी होती है, कहाँ तो फ्लाई करोगे. तो इसके मंथ्स हैं जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. And the last season is the post-monsoon season or the autumn season, and it is observed in the months of October and November. तो ये चार main seasons हैं हमारी country के. So in this video we'll be studying about the winter season. So what is the first thing that comes to your mind when you think of this season? After watching this video, अगर कोई ये same चीज आपसे पूछे तो आपके दिमाग में सिर्फ तीन चीजें आनी चाहिए विंटर सीजन से, जो हैं फर्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, सेकंड रेडिएशन फॉग एंड थर्ड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. डीजीसीए को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं, विंटर सीजन से उसे ये तीन चीजें चाहिए. सो ये नाउ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो कि क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या रेडिएशन फॉग, क्या होती है विंटर सीजन में, क्यों आती है. उसके लिए आपको काफी चीजें समझनी पड़ेंगी. लेट्स डाइव इनटू इट. ठीक है, तो दिस फिगर राइट हियर, दिस शोज द सोलर रेडिएशन व्हेन इट्स विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. मैं समझाता हूँ, ये है हमारा इक्वेटर, इसके ऊपर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला है सदर्न हेमिस्फीयर, यहां है सन. बढ़िया सन बनाया मैंने. ओके, ये क्या सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर. अब एज यू कैन वेरी क्लियरली सी द सोलर रेडिएशन इज मैक्सिमम इन दिस रीजन, राइट, जो इक्वेटर के आसपास है. गोल नहीं हुआ, मैक्सिमम इन दिस रीजन, ठीक है. एंड मिनिमम सोलर रेडिएशन है हमारे नॉर्थ पोल पे. मिनिमम क्या, जीरो सोलर रेडिएशन नॉर्थ पोल पे दिस रीजन. तो देयर इज ऑब्वियसली एन इम्बैलेंस, भाई हमारा नॉर्थ पोल इज वेरी कोल्ड एंड द इक्वेटर इज वेरी हॉट. टू बैलेंस आउट दिस अनइवन हीटिंग बिटवीन द पोल एंड द इक्वेटर, रॉस्बी वेव्स आर फॉर्म्ड. अब तुम सोच रहे होंगे भाई क्या नाम ले दिया, रॉस्बी वेव्स, व्हाट इज दिस. आई एक्सप्लेन, रॉस्बी वेव्स ऐसी चीज है, क्योंकि नॉर्थ पोल से जो ठंड है उसको उठा के इक्वेटर पे ले आती है, ताकि हमारा इक्वेटर थोड़ा ठंडा हो जाए और नॉर्थ पोल की ठंड कम हो जाए. मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे. एंड माइंड यू, इंडिया में विंटर सीजन को समझने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. जस्ट नंबर दीज.
सॉरी गाइस, आई एम वेरी न्यू टू द व्हाइट बोर्ड राइटिंग, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं आता मुझे. तो ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ऑल दिस पोर्शन, दिस इज वेरी कोल्ड एयर जो हमारे पोल्स पे है. ठीक है, ये ऑब्वियसली दिस इज द नॉर्थ पोल, ये एरिया, ये पूरा एरिया इनफैक्ट दिस इज द नॉर्थ पोल. जो भी ब्लू पार्ट मैंने इसमें बनाया है, दैट इज कोल्ड एयर, बहुत ठंडी हवा जो कि नॉर्थ पोल पे है. एंड दिस कोल्ड एयर इज एट एन ऑल्टीट्यूड, दिस इज नॉट ऑन द सर्फेस. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में बताऊंगा क्यों. तो ये कोल्ड एयर है जो कि एक ऑल्टीट्यूड पे है, मतलब हाइट पे है, जमीन पे नहीं है नॉर्थ पोल के. ठीक है, ये कोल्ड एयर हो गई. एंड अगर आप इसे ध्यान से देखो तो दिस कोल्ड एयर हैज सम रिजेस एंड ट्रफ्स. ये आपने पढ़ा होगा वेव्स में, ये एक रिज है, ये ट्रफ है, ये रिज है, ये ट्रफ है. ठीक है, तो अब व्हाट हैपेंस इज, थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम डेज, दीज ट्रफ्स गेट इलोंगेटेड. इलोंगेटेड मतलब लंबे हो जाते हैं. मतलब अगर आप इस ट्रफ को कंपेयर करो इससे, तो देखो ये कितना लंबा हो गया, राइट. थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप लंबे होते रहते हैं, और अगली फोटो देखो तो ये और लंबा हो गया. इसको कंपेयर करोगे आप तो दिस इज इलोंगेटेड. एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट यू नोटिस इज दैट दिस वन सेपरेट्स, ये भाई अलग ही हो गया है. देखो यहां पर बिल्कुल अलग हो गया, ये दोनों सेपरेट हो गए हैं. जब ये सेपरेट हो जाता है, हम इसको बुलाते हैं कट ऑफ लो. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका नाम कट ऑफ लो क्यों है. भी आप बस ये देख लो कि इसको कट ऑफ लो बोलते हैं. ठीक है भाई, समझ गए. तो ये थी रॉस्बी वेव्स. रॉस्बी वेव्स थी कोल्ड एयर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑन द नॉर्थ पोल, जिसमें कोई ना कोई जो ट्रफ है वो लंबा होता रहता है, और एक टाइम के बाद वो भाई कट जाता है, उसको हम कट ऑफ लो बुलाते हैं. एक और चीज आपको समझनी है, समझनी क्या, ये तो पता ही है कि यार अर्थ इज रोटेटिंग. ठीक है, एंड अर्थ रोटेट होती है इस साइड, ऐसे अर्थ रोटेट हो रही है. तो एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज रोटेटिंग विद द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो भी चीज है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे ये कोल्ड पूल ऑफ एयर है, ये भी रोटेट हो रही है. तो ये चीज ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये ट्रफ भी ऐसे रोटेट हो रहा है, ये भी ऐसे रोटेट हो रहा है धीरे धीरे, राइट. ये भी ऐसे रोटेट हो रहा है, पर ये जो कट ऑफ लो हमने बनाया है, ये ऐसे ना जाकर ऐसे जाता है. तो जैसे अगर ये हमने ईस्ट बनाया था, तो ये ईस्ट ना जाकर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जाता है. अब ऐसा क्यों है, मैं बताता हूं आपको. इसलिए जाता है क्योंकि एक फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कोरियोलिस फोर्स क्या होती है जो इस पे एक्ट कर रही है. तो ये हमने बना दिया इक्वेटर, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, ये हमें पता है. अब फॉर एग्जांपल यहां से विंड ब्लो हो रही है इधर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो कोरियोलिस फोर्स ऐसी फोर्स है जो उस विंड के डायरेक्शन को राइट की तरफ चेंज करेगी. तो इट विल डिफ्लेक्ट इट टू द राइट. सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में अगर यहां से यहां तक कोई जा रही है ऑब्जेक्ट, कोरियोलिस फोर्स उसको लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है. इसको याद करने की भी एक ट्रिक है मेरे पास. कोरियोलिस फोर्स स्टार्ट होते हैं सी से, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ना क्या है कोरियोलिस फोर्स. तो ये हम बात कर रहे हैं कोरियोलिस फोर्स की. ये स्टार्ट होता है सी से, ठीक है. तो अब सी को बनाने के दो टाइप होते हैं, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे नीचे से ऊपर. अब अगर आप ऊपर से नीचे सी बना रहे हो, तो उसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो, ये एरो नीचे बन गया. और अगर आपने नीचे से ऊपर सी बनाया, तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो, ऊपर एरो बन गया. तो ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको. तो आप नीचे जा रहे हो, तो मतलब आप लेफ्ट की तरफ टर्न हुए, आप ऐसे जा रहे थे, आप लेफ्ट की तरफ टर्न हो गए, तो
मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट, नदर्न हेमिस्फेयर में आप भाई क्या हो रहा है यार, कुछ भी हो जाता है यार, व्हाइट बोर्ड में कितना मुश्किल है, कैसे पढ़ाते हैं लोग इस पे। कि नदर्न हेमिस्फेयर में आप ऊपर जा रहे थे, अब राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, तो मतलब इट डिफ्लेक्ट्स यू टू द राइट। तो ये है हमारी ट्रिक, कोरियोलिस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ करती है, नदर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ करती है। ये इसने लेफ्ट की तरफ किया, ये इसने राइट की तरफ किया। ये ट्रिक याद कर लो, ये बाकी चैप्टर्स में भी है, अपने विंड में पढ़ा होगा इसको, कोरियोलिस फोर्स को। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दी रॉस्बी वेव्स। अब मैं ये जो कट ऑफ लो था, ये कट ऑफ लो, इसको एक वर्ल्ड मैप में प्लॉट करता हूँ कि इसका क्या रास्ता होता है, कहाँ कहाँ आता है। इसी से तो हम इंडिया का समझ पाएंगे ना यार, हमें इंडिया का जानना है, हमें नहीं फर्क पड़ता कट ऑफ लो ईस्ट गया साउथ ईस्ट गया कहाँ गया, हमें फर्क पड़ता है ये इंडिया में कहाँ से आ रहा है, क्या इंडिया की तरफ आ भी रहे या नहीं। तो हम इसको वर्ल्ड मैप पे प्लॉट करते हैं। तो वर्ल्ड मैप पे जो इसका रास्ता होता है ना कट ऑफ लो का, वो ऐसा होता है, ब्लू से दिखाता हूं मैं, यहां से आता है इधर को, देखो साउथ ईस्ट आया, ईस्ट नहीं गया है ना, थोड़ा नीचे आया। नाउ दिस क्रॉसेस द मेडिटेरेनियन सी, जो कि यहां है हमारा, फिर उसके बाद ये कैस्पियन सी को क्रॉस करता है इधर, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद आ जाता है इंडिया। तो ये होता है एक कट ऑफ लो का रास्ता, ठीक है, ये ऐसे 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 आता है इंडिया की तरफ, पूरा साउथ ईस्ट ट्रैवल करके। अब व्हेन इट क्रॉसेस द मेडिटेरेनियन सी, जब इसने मेडिटेरेनियन सी क्रॉस कर लिया, मतलब यहां से आगे आ गया, तब हम इसको बुलाते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करने के बाद इस कोल्ड पूल ऑफ एयर का नाम, जो कि कट ऑफ लो था, इसका नाम हो जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, WD। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, WD, ये जो इधर को आ रहा है ना मेडिटेरेनियन सी के बाद, इसका हमने नाम रख दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नाउ टू समराइज इट, व्हेन द कट ऑफ लो रीचेस द मेडिटेरेनियन सी, We call it the Western Disturbance. जो वहां से ईस्ट ट्रेवल करता है टू द कैस्पियन सी, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड फाइनली इट रीचेज नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये पूरा एक कट ऑफ लो का रास्ता है। अब इसको समझने के लिए एक और चीज समझनी पड़ेगी इस कट ऑफ लो के बारे में। ठीक है, ये आपको पता है कि दिस वॉज वेरी कोल्ड एयर, ठीक है, जो पोल से आ रही है, ठीक है, ये थी जिसको हमने बुलाया कट ऑफ लो। कट ऑफ लो कब बुलाया, जब ये सेपरेट हो गया था अलोंग, तो ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर इज वेरी हैवी, ये आप सबको पता है। तो ये अगर ग्राउंड है सरफेस, ऊपर हमारी कोल्ड एयर है, ठीक है, मैंने ये लिखा था ना कि इट इज एट एन ऑल्टीट्यूड एंड नॉट ऑन द सर्फेस। तो नीचे जितने भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सब पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये हैवी है ना, हैवी चीज नीचे आती है, तो ये नीचे आएगी, तो नीचे हो जाएगा हाई प्रेशर, और ऊपर ऊपर हो जाएगा लो प्रेशर, क्योंकि हर चीज को तो ये नीचे ले आई, तो ऊपर लो प्रेशर हो गया, नीचे हाई प्रेशर हो गया। So that is why we call it as a cut-off low. Cut-off तो हमें पता है क्यों, क्योंकि it got cut-off from the parent wave, यहाँ पे जो red से बनाया है, ये cut-off हो गई थी parent wave से, that's why इसका नाम cut-off था। और low हमने इसलिए नाम रख दिया क्योंकि ऊपर low pressure है। अब एक और चीज है जो हमें जाननी है DGCA के हिसाब से, this is a very very important question, कि ये जो लो प्रेशर है ना, दिस लो प्रेशर इज नॉट विजिबल, लो प्रेशर
not visible on a surface pressure chart, which is very obvious. सर्फेस प्रेशर चार्ट होता है जो सर्फेस का प्रेशर दिखाता है. अब ऑब्वियसली अगर लो प्रेशर हवा में है, ऑल्टीट्यूड पे है, तो ये सर्फेस पे थोड़ी दिखाएगा भाई. तो दिस लो प्रेशर विजिबल, दिस लो प्रेशर इज विजिबल ऑन अ 500 मिलीबार चार्ट. 500 मिलीबार होता है अराउंड 18,000 फीट चार्ट. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ये लो प्रेशर है ये सरफेस लेवल चार्ट पे नहीं दिखेगा, और 18,000 फीट का अगर चार्ट उठा के उसका प्रेशर देखोगे ना, तो वहां पर आपको ये लो प्रेशर दिख जाएगा. तो ये डीजी से क्वेश्चन पूछता है. बहुत ऑब्वियस चीज थी आई नो, बट हाँ डीजी से पूछता है. अब अगली चीज, ये तो हमने बता दिया कि ये ऐसे आता है मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ, कैस्पियन सी, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया. अब मैं मैप में बताता हूँ कि कैसे आता है इंडिया की तरफ, क्योंकि हमें नहीं फर्क पड़ता भाई कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, हमें इंडिया से फर्क पड़ता है इंडिया में कहाँ से आ रहा है और इंडिया में इसकी वजह से भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो देखो ये आया अफगानिस्तान एंड ऑल से वेस्ट पाकिस्तान की तरफ. अब सिंस आपको पता है कि ये कोल्ड एयर थी एंड कोल्ड एयर सर हर चीज को नीचे पुश करती है, सो कोल्ड एयर सिंक्स, ठीक है. तो कोल्ड एयर थी तो इसकी हाइट कम होती गई, ये जो कट ऑफ लो था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हाइट कम होती गई. तो बाय द टाइम इट क्रॉसेस वेस्ट पाकिस्तान इसकी हाइट इतनी कम हो जाती है कि ये हिमालयस ही क्रॉस नहीं कर पाता. तो ये हमारी हिमालयन रेंजेस हैं, तो ये हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि इसकी हाइट इतनी कम हो जाती है. एंड दस इट फॉलोज द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस टुवर्ड्स द ईस्ट. तो ये रास्ता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जब वो इंडिया आता है. जिस टाइम वो पाकिस्तान क्रॉस करता है उसकी हाइट इतनी कम हो जाती है कि वो हिमालयस को क्रॉस नहीं कर पाता, और वो हिमालय की फुट हिल्स को फॉलो करते हुए ईस्ट की तरफ चले जाता है. ठीक है, अब हमने ये तो समझ ही लिया कि भाई क्या है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कहाँ से आता है और इसका ओरिजिन कहाँ से है. कोल्ड है बहुत, नॉर्थ पोल से आता है, साउथ ईस्ट ट्रेवल करता है, क्यों करता है वो भी हमें पता है. अब नेक्स्ट चीज है कि भाई इससे फर्क क्या पड़ता है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, आए ठीक है, पाकिस्तान से हाइट कम हो गई, हिमालय फॉलो करता हुआ चले जाए, हमने क्या करना है भाई इससे. तो अब इसको हमें कोल्ड ओक्लूडेड फ्रंट कहते हैं. नाउ आई टेल यू व्हाट इज अ कोल्ड ओक्लूडेड फ्रंट. आपने पढ़ा होगा फ्रंट्स वाले चैप्टर में कोल्ड ओक्लूडेड फ्रंट क्या होता है. मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ये पढ़ रहे हैं अब हम, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ कोल्ड ओक्लूडेड फ्रंट. जब तक हमें पता नहीं होगा कि उसका क्या वेदर है क्या नहीं, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे भाई उसके बारे में. कोल्ड ओक्लूडेड फ्रंट वो फ्रंट होता है जिसमें पीछे से आती है वेरी कोल्ड एयर और आगे होती है कोल्ड एयर. तो पीछे से आ रही है वेरी कोल्ड एयर और आगे है उससे थोड़ी गर्म पर कोल्ड एयर. तो ये फ्रंट तब फॉर्म होता है व्हेन वेरी कोल्ड एयर कैचेस अप टू द लेस कोल्ड एयर फ्रॉम द बैक. मैं इसका बनाता हूं डायग्राम. तो ये हमने कोल्ड एयर बना दी और पीछे से जो आ रही है वेरी कोल्ड एयर वो ऐसे बनेगा, क्योंकि वेरी कोल्ड एयर है नीचे जाएगी और कोल्ड एयर ऊपर आएगी. अब इसमें इसका वेदर क्या होता है, वो होता है एक एम्बेडेड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. एम्बेडेड सीबी, और सीबी है तो भाई क्या होगा उससे, उससे होगी रेनफॉल. विंटर में जो चार पांच बार बारिश आती है उसका रीजन हमने यहां समझ लिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है वो हवा
नॉर्थ पोल से आई थी, दैट्स व्हाई इट्स वेरी कोल्ड. मैं यहां लिख देता हूं नॉर्थ पोल, और आगे कोल्ड एयर थी. अब कोई पूछेगा भाई आगे कोल्ड एयर कहाँ से आ गई, ठंडी हवा तो तूने बताया नॉर्थ पोल से आई है. अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ये नदन हेमिस्फेयर में विंटर दिखा रहा था. इसमें भी अगर आप पूरा देखो ना ध्यान से, इसमें ऑलरेडी यहां पर ठंडी हवा है. मैक्सिमम सोलर रेडिएशन तो सदर्न हेमिस्फेयर में जा रही है, नदर्न हेमिस्फेयर में ऑलरेडी देर इज विंटर. थोड़ा बहुत तो ठंड है इंडिया में, क्योंकि सोलर रेडिएशन इज गोइंग टू द साउथ, गोइंग टू द सदर्न हेमिस्फेयर. इंडिया में देर इज ऑलरेडी कोल्ड एयर. मैं यहां लिख देता हूं विंटर. विंटर मंथ्स हैं ऑलरेडी और थोड़ी बहुत ठंडी हवा है. ज्यादा ठंडी हाँ मानी मैंने, नॉर्थ पोल से आती है और उसके बाद ही ठंड ज्यादा बढ़ती है. उसका रीजन हमने भी सब बता दिया. तो हमारा फर्स्ट चीज हो गई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो मैंने कवर अप कर दिया है. अब देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सीजन, दैट इज रेडिएशन फॉग. के रेडिएशन फॉग की ये फोटोज हैं. रेडिएशन फॉग क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम बना के. रेडिएशन फॉग इज द फिनोमिना इन विच द ग्राउंड इज वेरी कोल्ड और कोल्ड, ठीक है, ग्राउंड कोल्ड है और ऊपर जो एयर है ना ग्राउंड पे, ये जो सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं ग्राउंड के आसपास, ग्राउंड के ऊपर, ये ठंडे हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ग्राउंड ठंडा है. ये यूजुअली ना रात को होता है, व्हेन द ग्राउंड इज रिलीजिंग इट्स हीट. नॉक्टर्नल कूलिंग आपने सुनी होगी ना, रात को जो ग्राउंड है वो ठंडा हो जाता है, अपनी सारी हीट बाहर फेंक देता है. उस टाइम जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्राउंड के आसपास वो ठंडे हो जाते हैं, एंड ठंडे होके दे रीच द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको पता ही होगा, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं एंड देन फॉग इज फॉर्म्ड. दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है, वेरी इजी. अब कोई पूछेगा ये कोल्ड क्यों है, कोल्ड क्यों है, क्योंकि हमारे पास भाई कोल्ड एयर आई थी नॉर्थ पोल से. कोल्ड एयर आई थी हमारे पास, कोल्ड एयर कैसे आई थी, हमारा WD था. तो जब भी एक WD पास करता है द टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड, एंड ह्यूमिडिटी तो ऑब्वियसली होती है बिकॉज इसने बहुत बारिश कर दी, ह्यूमिडिटी तो बढ़ा ही दी इसने बारिश कर करके. तो रेडिएशन फॉग अकर्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारी जगहें होती हैं जहां पर रेडिएशन फॉग होती है. रेडिएशन फॉग कब होती है, जैसे एक WD पास करता है रेडिएशन फॉग हो जाती है. एंड विंटर सीजन में अराउंड 4 से 5 WDs आते हैं इंडिया में, तो उतनी बारिश होती है उतनी बार ही रेडिएशन फॉग होती है उसके बाद. तो ये हमने अब 2 चीजें कवर कर ली, हमने रेडिएशन फॉग कर लिया, हमने WD कर लिया. अब लास्ट फीचर ऑफ द विंटर सीजन इज द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. ये एक जेट स्ट्रीम है. जेट स्ट्रीम मींस वेरी हाई स्पीड ऑफ एयर मूविंग एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. तो जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो ना हर वक्त प्रेजेंट होती है, पर विंटर सीजन में ये हमारी कंट्री के ऊपर से जाती है एट अराउंड 100 to 120 knots, एंड ये जाती है यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में. तो ये वेस्ट टू ईस्ट जाती है. इसका नाम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. इसकी हाइट होती है 36,000 feet और विंड स्पीड होती है 100 to 120 knots. तो ये हो गई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. ये था हमारा विंटर सीजन. अब मैं वो बताता हूँ कि आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड वेल सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम विंटर सीजन. सबसे पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जो हाइट है WD की वो है 6 किलोमीटर्स, ये आपको याद रखना है. हाइट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 6 किलोमीटर्स और 18,000 फीट. और इनकी इसकी विंड्स कहाँ से ब्लो करती है, नॉर्थ वेस्ट से. यहां मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, मतलब जैसे भाई तुम जज करोगे मैं इंडिया कैसे बना रहा हूँ, सेम मैं बनाते ही नहीं, मैं यही दिखा देता हूँ. ये इंडिया था, नॉर्थ वेस्ट मतलब यहां से आ रहा है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है.
तो जो इसकी विंड्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट से आती है और 6 किलोमीटर्स पे होती है। ये फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ जो हमको याद रखनी है वो है हाइट ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ओवर इंडिया। इसमें आंसर है 12 किलोमीटर्स और 36,000 फीट। एंड इसकी जो विंड्स हैं वो कहाँ से ब्लो करती हैं? विंड्स जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जाती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नॉर्थ वेस्ट से आती हैं। Okay, so this was everything you need to know about the winter season. I hope you like this video and please subscribe to the channel so that you get to know whenever I upload new videos on this topic. Also, please, please share your reviews on this. I know I wasn't perfect. I'm no pro in this. I didn't know how to use the whiteboard as well. So yeah, all your doubts are welcome. You can also DM me on my Instagram page at blueskiesandtailwinds. So thanks for watching, guys.